वेरी गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। बेटा कल हम लोगों ने अपनी जो टेक्स्ट बुक है आपकी कोरिलेशन, इसका हम लोगों ने पेज नंबर 9 पर हम लोगों ने क्या कवर कर लिया, टिक द करेक्ट। ओके हम आगे बढ़ते हैं, हमने स्टोरी भी दोबारा से रिवाइज कर ली। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आर हेयर 6 गिवन है, लेकिन आज हम लोग 4 कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं 2 जो रिमेनिंग है वो करवाऊंगी, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाती है तो आपको फिर प्रॉब्लम आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। चैप्टर नंबर फर्स्ट है, पेज नंबर आपका 10 है, यस। एंड जो चैप्टर नेम है ट्रू फ्रेंड्स, सच्चे मित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके आंसर दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, हु इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ एनिमल्स, एनिमल का सबसे ज्यादा बड़ा दुश्मन कौन है। हु इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ एनिमल्स, जो हु वाले क्वेश्चन होते हैं मैंने आपको कल भी समझाया था, अगर नहीं समझाया तो समझ लीजिए। हु डब्ल्यू एच ओ वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें केवल एक वर्ड का आंसर होता है, किसी का नाम होता है, कोई चीज का नाम होता है, कुछ ना कुछ हु का मतलब होता है एक वर्ड में आंसर देना। हु इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ एनिमल, आप बोलोगे मैम आप बोल रही हैं एक अक्षर में आपका आंसर होना चाहिए, आपने जितना बड़ा लिखा है। तो जब इंग्लिश मीडियम में हम पढ़ते हैं तो हम लोग को एक सेंटेंस में आंसर देना एक अच्छी बात होती है, जब आपसे क्वेश्चन किया जाए ओरल में। रिटर्न में तो आपको टिक लगाना है, तो आप क्या लगाओगे, वन वर्ड वाला। हु इज द बिगेस्ट एनिमल, सॉरी हु इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, मैन। तो हमें क्या करना है, केवल हु की जगह क्या लिख देना है, एम ए एन, मैन इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ एनिमल्स। तो हमने आंसर भी केवल मैन को लिख दिया, बाकी क्वेश्चन से लिखा है हु की जगह, हु रिमूव करके लिखना, नहीं तो हु भी लिख दो और मैन भी लिख दो, है ना। और क्वेश्चन मार्क रिमूव करने के बाद यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु वर द फ्रेंड्स, फिर से हमने आपको समझाया था हु की जगह किसी का नाम आता है, तो अब लेकिन यहाँ पे वर मतलब थे, जो फ्रेंड्स थे वो कौन थे, हु वर द फ्रेंड्स। हु एक के लिए भी यूज होता है और बहुत सारे लोग के लिए भी, तो इसमें हम लोग ने देखा था बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, तो आंसर भी हम लोग को क्या देना है, अ माउस, अ क्रो, अ डियर एंड अ टॉर्टस। तो हु की जगह हमने क्या किया, चार लोगों के नाम दिए, अ माउस कॉमा अ क्रो कॉमा अ डियर कॉमा, सॉरी डियर डी डबल ई आर। आप भी ऐसे ध्यान रखिएगा, आपसे ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, डी ई ए आर, डियर का मतलब होता है प्रिय, ठीक है ना। देखिए डी डबल ई आर होता है हिरन, एंड अ टॉर्टस वर द फ्रेंड, वर द फ्रेंड। तो हु की जगह तो लिखा है, क्या लिखा है, अ माउस अ क्रो अ डियर एंड अ टॉर्टस। कल मैंने आपको स्टोरी फिर से रिवाइज करवाई थी, उसमें हमने पढ़ा था चार जो दोस्त थे वो कौन थे, अ माउस अ क्रो अ डियर एंड अ टॉर्टस वर द फ्रेंड्स। इजी है ना, क्वेश्चन में हु की जगह मैं केवल चार नाम लिख दी और वर द फ्रेंड्स और क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, व्हाट हैपेंड टू द टॉर्टस, टॉर्टस को क्या हुआ था। टॉर्टॉइस नहीं बोलते हैं, टॉर्टस सही प्रोनाउंस करने का तरीका है टॉर्टस। व्हाट हैपेंड टू द टॉर्टस, टॉर्टस को क्या हुआ था, ठीक। तो टॉर्टस वॉज ट्रैप्ड इन हंटर्स नेट, कल हमने फिर से पढ़ा था, तो उसमें था जो टॉर्टस था, जो कछुआ था, वो ट्रैप मतलब फंस गया हंटर की नेट में, हंटर शिकारी के जाल में कछुआ फंस गया था। तो हमने लिखा टॉर्टस वॉज ट्रैप्ड, मतलब टॉर्टस फंस गया था इन हंटर्स नेट, शिकारी की जाल में। शिकारी हंटर मीन्स शिकारी, एपोस्ट्रॉफी एस लगा हंटर की, यानी शिकारी की जाल, नेट को जाल बोलते हैं, इन मतलब में, हंटर की जाल में। ओके क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हाट डिड द डियर डू, जो डियर था हिरन था उसने क्या किया, व्हाट डिड द डियर डू, क्वेश्चन मार्क। आंसर द डियर ले डाउन ऑन द ग्राउंड, डियर लेट गया ग्राउंड पर, एंड प्रिटेंड टू बी डेड, और ऐसा शो किया, प्रिटेंड का मतलब होता है झूठा नाटक करके दिखाना, शो करना, टू बी डेड जैसे वो मर गया हो। किसने किया ये, डियर ने। क्वेश्चन जितना पूछा जाए उतना आंसर हमें देना होता है। द डियर ले डाउन ऑन द ग्राउंड एंड प्रिटेंड टू बी डेड, आई थिंक क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे, याद करके अपनी नोटबुक में लिख देना, और मैंने इसका पिक्चर लेके भी आपको सेंड कर दी। फिर से देख लीजिए, हु इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ एनिमल्स, मैन इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ एनिमल्स, हु वर द फ्रेंड्स, अ माउस अ क्रो अ डियर एंड अ टॉर्टस वर द फ्रेंड्स, what happened to the tortoise, tortoise was trapped in the hunter's net,
क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द डियर डू? द डियर ले डाउन ऑन द ग्राउंड एंड प्रिटेंड टू बी डेड. इट्स ओके. थैंक यू.